सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। प्रणाम। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में बयानों का दौर जारी है, एक दूसरे पर हमला जारी है, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र ला रही है, तमाम तरह के वादे कर रही है। हम निकले हैं इस मिजाज को जानने के लिए कि जो पूर्वांचल का वोटर है, क्योंकि दिल्ली की सियासत में एक वक्त था कि पंजाब का वोट बैंक बहुत था, धीरे धीरे वक्त बदला, 90 से और ये 2000 का दशक आया, और 2000 के जो दशक में जो है आपका पूर्वांचल के वोटरों का बड़ा भूमिका हो गया है। करीब करीब 27 से 28 सीटों पर जो है वो पूर्वांचल की सीटों का असर है, और कई ऐसी सीटें हैं जहां सीधे सीधे पूर्वांचल मत जिस ओर झुकेगा वो जो भूमिका है उस पार्टी की वो तय कर देगा कि कौन सी पार्टी उस सीट से जीत रही है। तो ऐसे में जो दिल्ली के पूर्वांचल के वोटर हैं और कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि भाई दिल्ली में जो है वो पूर्वांचल का मिजाज क्या है, पूर्वांचल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, दिल्ली को के सियासत को लेकर वो केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो बीजेपी के बारे में क्या सोच रहे हैं और कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। कई लोग हैं हमारे साथ, आपका नाम बताइए। मैं भोगेंद्र झा। अच्छा। मैं पूर्वांचल बिहार से हूँ। अच्छा। और यहाँ पे पूर्वांचल के लोग बहुतायत संख्या में रह रहे हैं मंगोलपुरी में। अच्छा, ये बताइए हमको कि चुनाव हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे प्रधानमंत्री ने भी अभी वादा चुनाव में जो है बयान दिया कल उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर, कहा कि जो बिहार की जो बसें थी उसको दिल्ली नहीं आने दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। केजरीवाल ने कह दिया कि 500 रुपया लेकर लोग आ जाते हैं टिकट कटवाकर। तो ये सब बयान देख रहे हैं और माहौल देख रहे हैं, क्या लग रहा है? इस माहौल को देख करके बिहार और पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग एक मुश्त भाजपा की ओर मतदान करने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि केजरीवाल हर वक्त बिहारी को अपमान करता है, हिंदुओं का अपमान करता है, वह बर्दाश्त से बाहर है। हमें एक लॉलीपॉप दिखा करके वोट ले लेगा ऐसा नहीं है। नाम बताइए। नासिर अली मेरा नाम है, ब्लॉक प्रेसिडेंट 56 वार्ड का हूँ। अच्छा। कांग्रेस पार्टी से। मेरी बात सुनिए, अगर ये कह रहे हैं पढ़ाई की, मैं तो कह रहा हूँ नगर निगम में 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप नगर निगम में एक स्कूल में जाके देख लीजिए, टॉयलेट में भी कीड़े चल रहे हैं। टॉयलेट में भी कीड़े। अच्छा ठीक है, आप जैसे आपने बताया, आपने परिचय बहुत ईमानदारी से दे दिया कि आप कांग्रेस से हैं, लेकिन अब ये बताइए कि दिल्ली में लोग या तो केजरीवाल का बात कर रहा है या फिर बीजेपी का बात कर रहा है, कांग्रेस चर्चा में ही नहीं है, कोई आपके यहाँ का बड़ा नेता आ नहीं रहा है प्रचार के लिए? देखिए बैलेंस बीजेपी पे इतना पैसा आ चुका है, ब्लॉक नहीं कर रही हो, वो तो खुले कर रही है, गुंडागर्दी करो, गोलियां चलाओ, मारो सबको, ऐसा क्यों? क्या ये देश सबका नहीं है? जो चुनावी खींचतान चल रही है, जो झुकाव है, वो तो झाड़ू और बीजेपी के बीच का है, तो कांग्रेस फाइट में दिख नहीं रही है, तो फिर आपका आप लोग जो एक्चुअली जो कांग्रेस का वोटर इस टाइम पे, कांग्रेस का वोटर साइलेंट बैठा हुआ है। पब्लिक के मन में तो है कि हम कांग्रेस को दोबारा लाए, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया आज पब्लिक देख रही है, वो लॉलीपॉप पे नहीं जा रही है। बस ये एक अलग बात है कि जो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा 11 तारीख को, तो उस दिन आपको देखना कि सरकार, यहाँ कांग्रेस सरकार अगर नहीं भी बनाती तो चाबी सरकार की कांग्रेस के ही हाथ में होगी। किंग मेकर बना दीजिए। मंगोलपुरी में अभी तक बीजेपी या आम आदमी ने पूर्वांचल को ऐसी सुविधा नहीं दे रखी जो कांग्रेस पार्टी ने दी। छठ पार्क जाओ, बापू पार्क में, ऐसा एशिया में नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने वो बना के दिया, जो हमारे राजकुमार चौहान जी ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने। मंगोलपुरी में क्या एशिया में नहीं है वो, एशिया में नहीं है वो पार्क। भाऊ जी आपका नाम क्या है? चंद्रपाल गुप्ता, दिल्ली प्रदेश से। अच्छा दिल्ली में आप क्या राजनीति में हैं? आप राजनीति? हाँ जी हाँ जी, कांग्रेस से। अच्छा आप कांग्रेस से हैं। बात बताइए, मैं जो इनसे सवाल कर रहा था, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने काम किया, अंडर करेंट है, तमाम चीजें हैं। देखो जी, फाइट में कहीं दिख ही नहीं रही है कांग्रेस, ये बात ईमानदारी से कहे नहीं? आप मान रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो गई है, कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है? मंगोलपुरी का कोई विकास नहीं है, कहीं पर कोई खड़ंजा तक नहीं ढंग से लगा। मंगोलपुरी की बात अगर मैं नहीं भी करूँ, 5-6 साल पहले 15 साल कर गई है दिल्ली को, जो चमका दिया है, ऐसा तो है ही नहीं कहीं पर। अब ये जो क्या राजनीति चल रही है ये देखो आप। नहीं वो तो बात ठीक है कि कांग्रेस ने काम किया, आप कह रहे हैं तमाम खाली लड़ाई झगड़े वाला केस बन गया, ये क्या हो रहा है? कांग्रेस किधर है, शाहीन बाग पर किधर है, पक्ष में है या विरोध में? पक्ष में है, सबके पक्ष में, सबके पक्ष में, हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके पक्ष में, एक जाति के आधार बनी। बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं चलेंगे हम। ये देखो यही तो गलती है, यही तो गलती है, एक देश, यही तो गलती है।
मुद्दा नहीं है, इनका कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा एक करके आराम से बात करें, एक करके बात करेंगे। देखिए हल्ला करिएगा बात नहीं करेंगे, हल्ला करिएगा बात नहीं कर पाएंगे हम। सुनिए देखिए चारों हैं भाई भाई, हम सब मिलजुल करके हम ना रहना चाहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रेम से होना चाहिए, और ये कांग्रेस ही इस स्त्री को कर सकती है। मेरा नाम जयकरण है, SMC का वाइस चेयरमैन, K2 ब्लॉक से ही स्कूल है हमारा मंगोलपुरी में, सर्वोदय विद्यालय। स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठते हैं, जिसमें कि हमने राखी बिल्लान जी को लिखित में दिया हमारे छोटे बच्चों के लिए पहली से KG से लेकर 5वीं तक के डेस्क मंगाए जाए। राखी बिल्लान जी कहती है नहीं। स्कूल के गेट पे एक टॉयलेट है जिसके लिए हम लिखित में दे चुके हैं, हमारी बेटियां 9वीं 8वीं की आती हैं, लड़के खड़े हो जाते हैं भाई ये नहीं होगा तो यहाँ कोई बच्चा नहीं खड़ा होगा, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रही मेरी तो शादी नहीं तो मैं तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कौन नहीं, अब देखिए ऐसा तो आप किसके समर्थन में हम कांग्रेस को समर्थन देंगे जी, क्योंकि उसने काम करा, उसने स्कूल बना के दिए बच्चों के लिए, लाइटें दी, गलियां दी। यहाँ आप एक काम करिए, मतलब कि अब आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, मैं K2 स्कूल का वाइस चेयरमैन, आम पब्लिक का नागरिक हूं मैं। अच्छा, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। ठीक है, अच्छा आप अपना नाम बताइए पहले। डॉक्टर RD भारद्वाज, राजभर संबंधित रखूं मैं। अच्छा, और जिला आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप कोई पार्टी के कार्यकर्ता है या सामान्य नागरिक है? नहीं, सामान्य नागरिक और दोनों कार्यकर्ता, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे हर चीज का पता है। अच्छा, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि पूर्वांचल में बिहार को लेकर यहाँ एक सियासत ये भी चल रही है कि लोग बाहर से आते हैं, इलाज करवा के चले जाते हैं, और दिल्ली के लोगों को परेशानी होती है, इस बात पे आप मानते हैं कि ये नहीं ये गलत है? ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो आते हैं इलाज करा के चले जाते हैं, यहाँ वाले भी तो इलाज कराते हैं। क्या है कि पूर्वांचल लोगों का BJP ने बिल्कुल इंसल्ट कर दिया एकदम से। आप इतिहास उठा के देखिए, हमेशा इन्होंने नीचे के पावदान पर रखा है। पहले BJP क्या था? पंजाबियों का था सब, मोती नगर, कीर्ति नगर, रानीबाग, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में, वैसे भी देखा हूँ। तो इन्होंने हमेशा क्या किया कि दबा के रखा है यहाँ के लोगों, खास करके लोअर क्लास के जो हैं, रिक्शे वाले, गरीब मजदूर, दिहाड़ी वाले की कोई। कौन है पूर्वांचल के पक्ष में, कौन दिखाई दे रहा है आपको? पूर्वांचल के पक्ष में कांग्रेस है। आपका नाम क्या है? टोनी सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, मंगोलपुरी के। अच्छा, तो आप पूर्वांचल से हैं या दिल्ली? पूर्वांचल के। अच्छा, पूर्वांचल में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, वहाँ के बलिया जिला के। अच्छा, बलिया जिला के रहने वाले हैं। ये बताओ जो राजनीति चल रहा है यहाँ पे, जो देख रहे हैं आप कि इस बारी तो सब बहुत सारा बिहार का भी पार्टी जो आ गया है, RJD भी चुनाव लड़ रही है, JDU भी चुनाव लड़ रही है। अच्छा, बतौर यूथ जो है किस में आपको अच्छा नेता दिखाई देता है? कि अरविंद केजरीवाल पसंद है आपको, उनकी राजनीति पसंद है? विधायक जी हैं हमारी राखी बिल्लांग जी, ठीक है, उनका नाम केजरीवाल जी का नारा है, लगे रहो 5 साल लगे, ठीक, यहाँ उल्टा है, यहाँ लगे रहो 5 साल मन गई राखी बिल्लांग, यह नारा है मंगोलपुरी में। अच्छा। मंगोलपुरी की, मंगोलपुरी जो चौहान जी ने बनाई थी वो आज गांव बन गई है। अच्छा। वो नाली जो गली खुदी है वो खुदी की खुदी रह गई है। अच्छा। वो गली आज तक नहीं बनी। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? देवगिरी। देवगिरी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को देखा है आपने, सुना है आपने, कैसे लगते हैं आपको? अरविंद केजरीवाल जी ठीक लगते हैं, लेकिन जो है कि हमारे इधर का विधायक है वो ठीक नहीं है, वो विधायक गड़बड़ है, नेता अरविंद केजरीवाल उधर ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर BJP को कोई हरा सकता है या रोक सकता है तो केजरीवाल ही है, मानते हैं ये बात क्या? देखिए BJP देश के लिए अच्छा काम कर रही है, ये सबको पता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, यही निवासी हैं आप। अच्छा, ये बताइए जो राजनीति चल रही है पूर्वांचल को लेकर, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अभी जो मुद्दा उठा हुआ भी है, उसमें क्या देखते हैं दिल्ली की सियासत में? जैसे पूर्वांचल के जो लोग हैं उनका दखल बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, सही लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? प्रतिनिधि तो और ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसा है सर, देखो हर पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इलेक्शनों में सबको याद करती है, चाहे वो पूर्वांचल का वोटर हो, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन मेरा मानना यह है, जो मंगोलपुरी के अंदर जो विकास होना था ना, वो विकास 15 साल पीछे चले गया। जो यहाँ की विधायिका है कुमारी, अच्छा आप लोग विधायक से मतलब उतने परेशान हैं? हाँ, विधायक से हम बहुत परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल बताओ, नेता कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, बस जो उन्होंने फ्री 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 की लॉलीपॉप दे रखी है ना, वो लॉलीपॉप उनको हटानी चाहिए। अच्छा, तो फ्री नहीं दे? नहीं, फ्री के बदले उन चीजों का रेट कम कर दे ना, उन चीजों का रेट कम कर दे।
जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी है, मेरी बात को आप समझना, 200 यूनिट को फ्री देने के बदल उसे आप लोग उसका रेट कम कर दीजिए, बस फ्री कर रखी है, बस का किराया घटा दीजिए और चीज़ों में फायदे दीजिए पब्लिक को। तो आप कह रहे हैं कि सस्ता कर दो फ्री में मत दो। सस्ता कर दो फ्री में मत दो, सबको अच्छा। फायदा मिले। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जरा समझते हैं हम। आपका नाम क्या हुआ? बबन सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। अच्छा, आप यहाँ वोटर भी हैं? हाँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बबन जी, अभी जो हो रहा है दिल्ली में, बैठ जाए हम यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है राजनीति में, बिहार को लेकर भी बड़ा चर्चा है, बिहार यूपी को लेकर, पूर्वांचल को लेकर, पूर्वांचल का हस्तक्षेप भी राजनीति में दिल्ली में बड़ा है। पूर्वांचल का वोटर क्या सोच रहा है दिल्ली के चुनाव में, किसको लेकर सोच रहा है कि कौन नेता जो है वो सही दिशा में जा रहा है? ऐसा है कि एमसीडी में भाजपा को भी 15 साल से देख लिए पूर्वांचल के लोग, और आम आदमी को भी देख लिए, और पहले भी था कांग्रेस के ही था शासन, तो कांग्रेस ने जो किया पूर्वांचल के लिए, छोटा किया चाहे बड़ा किया काम, उसी ने किया। अच्छा, अब तो कुछ नहीं है, यहाँ के एमपी भाजपा के हैं, भाजपा वाले कहते हैं तो बीजेपी तो देखिए अपना नेता ही पूर्वांचल का बना दी दिल्ली का। इतना गड्ढा पड़ा हुआ है रोड पर, ना आम आदमी कर रही है, एमपी उसका है, विधायक इसका है। अच्छा नहीं, हम मतलब ये किया है वो कांग्रेस ने किया, अभी तक हम उसी का इस्तेमाल कर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दरभंगा के रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं 25 साल से दिल्ली में। भाषा को भी लेकर बड़ा रस्साकसी है, जैसे बिहार में बहुत सारा भाषा बोला जाता है, मैथिल को लेकर एक सम्मान है अपना, भोजपुरी को लेकर जिस तरीके से मान्यता का बात हो रही है, तो बीजेपी उस पर बात नहीं कर रही है, खाली बात। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अष्टम सूची में मैथिली भाषा को लाए थे, कब? और उसी समय में लेटर लोड जो असम से जो युद्ध में, चीन के युद्ध में टूटा हुआ था, उसको बनवाए थे। वो बन गया, अभी तैयार भी हो गया, अष्टम सूची में मैथिली भाषा भी आ गई। जो आने वाला है आए, मैं तो मना नहीं करता, पंजाबी भी है, बहुत सारे भाषा है, सब आएंगे, लेकिन मैथिली पहले से है तो उसको मिलना चाहिए। और मैथिली कैसी भाषा है, वो राजीव गांधी भी कांग्रेस कभी गए थे दरभंगा तो बोले थे। भोजपुरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि भोजपुरी को भाई आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम उसको अनुसूची में लाएंगे, लेकिन बीजेपी कहाँ कह रही है? बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी इसीलिए कह रही है कि अभी चाहिए पूर्वांचल का वोट चाहिए, पूर्वांचल का वोट चाहिए, लेकिन उन्होंने ही कहा था चंद दिन पहले, जो 500 रुपया देके दिल्ली से बिहार से आते हैं यहाँ पे और इलाज करा के 5 लाख का चले जाते हैं, क्या मोदी जी आयुष्मान योजना नहीं दिए थे? उन दिए थे ना, ये सिर्फ बिहार वाले चाहे दिल्ली वाले के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए दिए थे, लेकिन वो क्यों नहीं लागू होने देते, मुझे ये बताएं केजरीवाल।